कॉमेडी तड़का लगने वाला आपकी तरफ से? अरे बहुत अच्छा तड़का तो लगने वाला है। एक तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी फिल्म ये रे पैसा सुपर हिट हो गई है और उसके बाद ये फिल्म कर रहा हूँ वो स्टूडियो अमोल उतेकर जो अपने प्रोड्यूसर है, एक अच्छी फिल्म लिए लोगों का एंटरटेन करना है और वही मोटिव है सबका। तो अच्छी स्टार कास्ट है, सौरभ है, फिर स्मिता है, नीता है, संस्कृति बालगुड़े है, रानी है जो मेरे साथ है, मेरी है। तो और महेश सर एक कैमियो कर रहे हैं, कमलकर सातपुते है, तो गैंग अच्छे जो मराठी के अच्छे परफॉर्मर है। वो एक फिल्म है, प्रदीप की पहली फिल्म है और प्रदीप वैसे उसने बहुत सारी चीज़ें मराठी में एज एसोसिएट की है, इसकी पहली फिल्म है तो अच्छा कर रहा है काम, तो बहुत खुश हूँ। और अभी तो बहुत जल्दी हो जाएंगी, फिल्म क्या है क्या किस बारे में बोलना है, लेकिन हाँ एक अच्छी अच्छी टीम बनी है जो लोगों का मनोरंजन करेगी। बाबा रामदेव की तरह लग रहा है, कुछ कमेंट है? नहीं अभी तो कुछ कमेंट नहीं है, लेकिन फिल्म एक ह्यूमर वाली फिल्म है, लोग आएंगे तो पैसा उनका वसूल होगा, ये मोटिव हमारा तो वो हो जाएगा। मेरे किरदार की यही किरदार है, झागरी मैगरी है, इतना ही बोल सकता हूँ अब भी। तो उसके बारे में बात करने के लिए हम अभी मिल जाएंगे, फिल्म प्रोसेस में शूटिंग चल रहा है, अभी एक 7-8 दिन के बाद पैकअप भी हो जाएगा, तो एक बार फिल्म बन जाएगी तो हम फिर से एक बार बात करेंगे, लेकिन अच्छा लग रहा है बस। okay, महेश अपने आप में एक बहुत दिग्गज निर्माता है, निर्देशक है, कितने बेहतरीन एक्टर, और उनका कॉमेडी टाइमिंग काटे से लेकर अब तक। अच्छा ये मराठी में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ? हाँ एक कारण मराठी फिल्म चाल रही तर महेश सगळं मराठी बोलतो ना, महेश सरांचं उत्तर देतो। एक तर स्टेलर स्टुडिओ अमोल उतेकर जे आमचे प्रोड्युसर आहेत, या वर्षातली पहिली सुपरहिट फिल्म झाली आहे माझी ये रे रे पैसा। तो एक आता ह्या वर्षाचं मोटिवच आहे की आता येणाऱ्या या वर्षात लोकांचं मनोरंजन करायचं, लोकांना हसवायचं आहे। सर या फिल्मचं टायटल ठरायचं आहे, पण प्रदीप मेस्त्री जो ज्याने मराठीत खूप सारे फिल्म असोसिएट केल्यात, आता तो पहिल्यांदा डिरेक्टर म्हणून करतो आहे, खूप छान पद्धतीने बसवतो आहे। सौरभ गोखले जो आमच्या सिनेमाचा हिरो आहे, स्मिता शेवाळे, नीता शेट्टी, संस्कृती बालगुडे, राणी अग्रवाल, त्यानंतर महेश सर स्वतः कॅमियो करतायत, कमलकर सातपुते, एक गँग आहे आणि ही सगळी मराठीतली दिग्गज मंडळी एकत्र तुम्हाला हसवण्यासाठी येत आहेत, तो तयार राहा। महेश सरांबरोबर काय बोलू, कारण त्यांच्या हाताखाली तयार झालो आहे मी, ॲज अ डिरेक्टर म्हणून खूप वेगळ्या पद्धतीने मला प्रेझेंट करत असतात। खूप कमी सिनेमे आहेत जिथे मी महेश सरांबरोबर काम केलं आहे, एक हिंदी फिल्म केली होती त्यांच्याबरोबर, मला असं वाटतं त्याच्यानंतर मी खूप वर्षांनी महेश सरांबरोबर काम करतो आहे, सो मी पण खूप एक्सायटेड आहे। आणि त्यांचा एक महेश सर पण तुम्ही न पाहिलेलं रूप महेश सरांचं पाहणार आहात, तर एक शिष्य म्हणून मला पण ती वेगळी पर्वणी। मॅडम मैं यही कहना चाहूँगी, ये मेरी पहली मराठी फिल्म है एंड टू कम ऑपोजिट सिद्धार्थ, आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। नहीं बहुत चांगला काम करते हैं, खूब मस्त काम करते हैं, सबके साथ काम करना है, किस तरह एक्सपीरियंस रहेगा? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इन्होंने इतनी फिल्म्स की है, मेरी मॉम इनकी बहुत बड़ी फैन है, मैं एक बार उनको सेट पे लेके आके मिलवाऊंगी तो वो बहुत खुश है, और मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ कि मैं इनके साथ आ रही हूँ। अनिता इन्हें आता हिंदी से इंटरव्यू दिला है, फिल्म संपेपर्यंत मराठीत इंटरव्यू देईल मी शिकणार। सिद्धार्थ एक मतलब मराठी इंडस्ट्री की बात करें, हमेशा कंटेंट बहुत स्ट्रांग रहता है फिल्म का, और सब उस तरफ झुक रहे हैं। बॉलीवुड की मैं बात करूँ, अजय देवगन प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म, एक नया ट्रेंड चालू हुआ है इंडस्ट्री में, जब हम मराठी सिनेमा की बात करते हैं बहुत बेहतरीन सिनेमा मराठी इंडस्ट्री से आता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बदलाव के बारे में? सर दोनों लैंग्वेज में देता हूँ जवाब, क्योंकि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं मराठी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, कि यहाँ हर साल एक नेशनल अवार्ड आता ही आता है, लोग कंटेंट देखते हैं, लोग कमर्शियल देखते हैं, यानी दोनों प्रकार के ऑडियंस है यहाँ, और बहुत अच्छी तरीके से सराहा जाता है मराठी सिनेमा को, और अभी तो मराठी ऑडियंस नहीं है, अभी तो नॉन मराठी ऑडियंस भी मराठी सिनेमा को बहुत सराहा अप्रिशिएट कर रहा है। तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का भाग हूँ, और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अभी आपने बोला अजय सर कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन सर ने भी की थी मराठी फिल्म प्रोड्यूस, बरोबर, शाहरुख खान भी करने वाले थे, रोहित शेट्टी से, सब लोग, तो अच्छी बात है ना, तो ये अच्छी बात है कि बहुत बहुत बड़े बड़े दिग्गज अभी मराठी में फिल्म ला रहे हैं। मराठी सिनेमाचा पार्ट होणं माझ्यासाठी खूप प्राऊड फील असणारी गोष्ट आहे, कारण मी मराठी सिनेमा रिप्रेझेंट करतो आणि मराठी सिनेमा जगभरात पोहोचला आहे, दरवर्षी एक नॅशनल अवॉर्ड असतं, काहीतरी ऑस्करच्या शर्यतीत असतो, तर ॲक्टर म्हणून या इंडस्ट्रीचा पार्ट म्हणून मला खूप मस्त वाटतं।
सीरियसली इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर मराठी इंडस्ट्री और मुझे बहुत आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट कि मैं इस टाइम पे ये कर रही हूँ मूवी, क्योंकि अभी सब लोग अप्रिशिएट करें, सब लोग मराठी मूवी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, इवन नॉन मराठी ऑडियंस, उनको पता है कि ये मराठी फिल्म चल रही है, जरूर बहुत अच्छी, नॉन मराठी एक्टर मराठी फिल्म कर रहे हैं और क्या चाहिए आपको। थैंक यू। फिल्म का जॉनर कॉमेडी है, एक लव स्टोरी बोल सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपने को लगता है कि मेरा स्टोरी कुछ अलग हो, सबको लगता है जैसी स्टोरी, वैसे मुझे भी लगा है, मुझे पता है, मतलब स्टोरी थोड़ा हटके है, कॉमेडी जॉनर, रेगुलर कॉमेडी जॉनर जो रहते हैं वैसे छोड़ के कुछ अलग पैटर्न में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैरेक्टर के बारे में बोले जाए तो महेश मांजरेकर सर कर रहे इसमें काम, बड़ा ही अपनी डिफरेंट लुक दिया है उन्हें, डिफरेंट लुक है वो, बाबा महाराज बनाया उनको, वैसे लुक एक दिया, अच्छा लुक भी बहुत अच्छा आया है उनका। बाकी भी सब कैरेक्टर्स हैं, सिद्धार्थ जाधव, सौरभ गोखले, संस्कृति बालगुड़े, हेमांगी कवि, नीता शेट्टी, अस्मिता शेवाल, मराठी के सब बड़े बड़े आर्टिस्ट, सब बढ़िया आर्टिस्ट है, सब थिएटर वाले हैं, सब अच्छा। आज की अगर शूट के बारे में बात करें तो किस क्या फिल्माया जा रहा है आज? आज हम महेश सर के जो फिल्म में सीक्वेंस है महाराज का आश्रम दिखा है, वो सीक्वेंस हम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, जो फैमिली गुरु दिखाए है सबके, हर फैमिली जो फिल्म में दिखाए उनके सबके गुरु दिखाए, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हर फैमिली के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स बाबा के पास आते हैं सॉल्यूशन मांगने के लिए, वैसे ही एक बाबा हम लोग ने भी फिल्म में दिखाए हैं और उनके पास ये सॉल्यूशन मांगने के लिए आ रहे हैं, तो वो हम लोग आज शूट कर रहे हैं। सर अपन पिक्चर का नाम अगर देखें तो मराठी मध्ये ऐसा ठेवले लगे माझ्या लग्नात है, येता ना लगना, उसको अगर हम हिंदी में बोले तो आपने कैसा आइडिया कैसे किया सर, ये पिक्चर का हम नाम रख के और पिक्चर बनाएंगे और कॉमेडी बनाएंगे और महेश मांजरेकर सब कुछ? अभी फिलहाल तो येता ना लगना लगा मीनिंग होता है, आ रहे हो ना शादी में, तो उसी टाइप का अभी तक हिंदी में हम लोग ने वैसे ये नहीं किया है, सोचा नहीं है, लेकिन अगर कुछ प्लान बनता है तो उस किस्म का वही टाइप में कोई नाम आ जाएगा मराठी में। हाँ नमस्कार, मी प्रदीप मेस्त्री, येता ना लग्नाला हा सिनेमा मी आता शूट करतो, त्या फिल्मचा मी डिरेक्टर आहे, आणि स्टोरी माझी आहे गणेश पंडित आणि श्रीपाद जोशी माझे मित्र, हे स्क्रीन प्ले आणि डायलॉग्स करत आहेत त्यांचे, कास्टिंग आणि याच्या या सिनेमामध्ये आज जसे महेश मांजरेकर सर आहेत, सिद्धार्थ जाधव, सौरभ गोखले, संस्कृती बालगुडे, हेमांगी कवी, स्मिता शेवाळे, नीता शेट्टी, राणी अग्रवाल, माधवी सोमण, प्रियंका मुणगेकर, असे कमलाकर सातपुते, अशी मराठीतली सगळी मोठी मोठी स्टारकास आम्ही घेतली आहे, आणि प्रत्येकाचे कॅरेक्टर तेवढे आम्ही बॅलन्स करायचा प्रयत्न केला आहे, खूप चांगले कॅरेक्टर डेव्हलप झालेत आणि आम्हाला चांगले आर्टिस्ट त्यासाठी ते सुद्धा। टोटल एक वेगळ्या कॉमेडी जॉनरची फिल्म आहे, टोटली कॉमेडी जॉनर का फिल्म आहे, और मराठी में आजकल जो ट्रेंड आ रहा है, आप बहुत ही गांव के साइड्स की मूवी देखते हो जो एक अलग मैसेज के साथ आती है, बाद में आप देखते हो कि कोई स्पेशल सब्जेक्ट लेके बहुत ही अच्छी मूवीज़ आ रही है मराठी में, मराठी इंडस्ट्री बहुत अलग तरीके से ग्रो हो रही है, तो इस इंडस्ट्री में मैं फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर आया हूँ एक अलग फिल्म लेके, पर बहुत उम्दा कलाकारों को लेके आ रहा हूँ, जैसे महेश जी है, महेश मांजरेकर जी, सिद्धार्थ जाधव है, सौरभ गोखले है, और जो अपनी बाकी सारी एक्ट्रेसेस है उन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया हुआ है, संस्कृति बालगुड़े है, नीता शेट्टी है, स्मिता शेवाड़े है, हेमांगी कवि है, कमलाकर सातपुते जी है, जो अपने DOP है वो समीर अटले जी, जिन्होंने करीबन 250 के ऊपर फिल्म्स की हुई है जब मराठी इंडस्ट्री खुद सेट हो रही थी, लक्ष्मीकांत बेर्डे जी, महेश कोठारी जी, जो त्रिदेव है, त्रिमूर्ति है मराठी इंडस्ट्री के, उस टाइम से ये DOP जी काम करते आ रहे हैं, और उन्होंने उस फेज से लेके अब तक जब मराठी इंडस्ट्री बहुत ही ग्रो हो रही है, जबकि बॉलीवुड के लोग भी मराठी इंडस्ट्री में आके कुछ ना कुछ करने की चाह रख रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग एक
अलग टाइप की फिल्म लेके आ रहे हैं और ये सबको ज़रूर पसंद आएगी, ये मेरी उम्मीद है। आज के सीन की अगर बात करूँ तो किस तरह? आज का सीन जो है वो अपने फिल्म को लेके एक ऐसा फिल्म है, एक ऐसा सीन है जो सीन होते ही जो एक अलग हलचल हो जाती है अपने फिल्म में, वो इस सीन के बाद में होती है। तो ये सीन बहुत मायने रखता है जिसमें महेश मांजरेकर जी खुद हैं।